हेलो क्लास, माय नेम इज दिस वाच एंड वेलकम टू। आज हम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो आज के सेशन में देखो हम मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन दोनों का पोर्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ के आए थे, हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, और फोर ब्रेन कौन सा पोर्शन था? फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का वो पोर्शन है जिसको हम आसानी से देख पा रहे थे। जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा था? वो था हमारा सेरेब्रम का पार्ट। ठीक है, और वो जो सेरेब्रम था वो कौन से पोर्शन में आ रहा था? फोर ब्रेन में आ रहा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने फोर ब्रेन को कम्प्लीटली कवर कर लिया था, कि सारी ये भी चीज़ें देख ली थी कि फोर ब्रेन हमारा किस टाइप के रिस्पॉन्सेज क्रिएट करता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे फोर ब्रेन के अंदर जाती है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमें कोई सोच विचार करना हो, ठीक है, उसकी सेंसेशन हमारे कहाँ पे जाती है, या फिर कोई आईक्यू वगैरह का काम हो तो वो सारा हमारा फोर ब्रेन ही करता है। पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको याद करने का काम भी कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन कर रहा था। लेकिन अब कौन सा पोर्शन आएगा? अब आएगा हमारा ब्रेन का मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पोर्शन। अब ये मिड ब्रेन जो होता है और हिंड ब्रेन होता है, ये पोजिशन कहाँ पर होती है और उनका काम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये मान लो क्या बनाया, ब्रेन बनाया, क्या बनाया, ब्रेन बना। अब ब्रेन के अंदर भी कौन कितने पोर्शन थे हमारे? तीन पोर्शन थे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पोर्शन। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखो भाई, फोर ब्रेन तो हमने पहले क्लियरली देख लिया था कि भाई फोर ब्रेन का पोर्शन अंदर क्या हो। अब देखते हैं कि भाई मिड ब्रेन की पोजिशन कहाँ पर होगी और हिंड ब्रेन की पोजिशन। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मिड ब्रेन है, पहले मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। मिड ब्रेन का जो हमारा पोर्शन है वो हमें कहीं भी बाहर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मिड ब्रेन कभी भी हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। बाहर से ऐसे बाहर से नहीं देख रही, बोल रही कि मैं, अगर आप देखोगे मुझे तो मेरे ब्रेन का पोर्शन नहीं। अगर ब्रेन को भी हमने, ठीक है, मान के चलो मैंने इस स्कल को क्या कर दिया, हटा दिया। स्कल को हटाने के बाद, ठीक है, इस खोपड़ी को हटाने के बाद हमें अंदर क्या दिखेगा? ब्रेन। अब वो ब्रेन भी हमें बाहर से दिखेगा ना, तो बाहर से कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ये है हमारे फोर ब्रेन का पोर्शन। लेकिन जो मिड ब्रेन होता है और जो हाइंड ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम बाहर से क्या नहीं देख सकते, मिड ब्रेन को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बाहर से नहीं देख पाते हैं, तो अब अंदर से किस तरीके से देखेंगे? कैसे पता चलेगा कि मिड ब्रेन किस तरीके का होता है, क्या उसकी पोजिशन है, क्या उसका काम है? तो देखो, जब हम इस ब्रेन का सेक्शन कर देंगे ना, क्योंकि देखो हमने क्या देखा था कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स थे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर कौन से थे? कि भाई जो हमारे सेरिब्रम का पार्ट था वो इस तरीके से था, ऊपर से सेपरेटेड था हमारा दिमाग और नीचे से क्या था, वो जुड़ा हुआ था। अब वो जो सेपरेटेड पार्ट था, जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो किस तरीके का दिखाई देगा? यहाँ पे हेमिस्फेयर के तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एक हाफ हेमिस्फेयर इस साइड और एक हाफ हेमिस्फेयर इस साइड में दिखाई देगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर हमें दिखाई देगा। अब वो जो हेमिस्फेयर है ना, उनको जब हम बीच से ऐसे काट देंगे तो हमारे ब्रेन के कितने? दो पोर्शन हो। जब उनमें से एक पोर्शन को जब टेढ़ा करके देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की पोजिशन क्या कुछ है। ठीक है, समझ आई बात? अब जैसे कि मेरा ब्रेन है, क्या ब्रेन को हमने इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से जब यहाँ पे कट लगा देंगे ब्रेन के अंदर की साइड, तो क्या होगा? एक हेमिस्फेयर इस साइड आ जाएगा, एक हेमिस्फेयर दूसरी साइड में रह जाएगा। अब ये जो हेमिस्फेयर का पार्ट है ना, उसको मैंने इस तरीके से करके दिखा दिया। ठीक है, मेरे ब्रेन के मैंने क्या किए, पहले तो क्रॉस सेक्शन किया, उसको काट दिया। ठीक है, बीच में से काटने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको इस तरीके से काट दिया। तो अब इसके अंदर का जो सेक्शन है वो दिखाना है। वो कैसे दिखाऊंगे? अब ये ब्रेन का सेक्शन है, मान लो मैंने काट दिया और यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या है? हाफ पोर्शन है किसका? ब्रेन का। अब इसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, उसको देखते हैं। लास्ट क्लास जिस किसी ने अभी देख रखी है, आपने आई थिंक सबने देख रखी होगी, तो उसके अंदर है ना, मैंने फोर ब्रेन के जब पार्ट पढ़ाए थे तो एक थैलेमस का पार्ट भी था। ठीक है, थैलेमस की जो अपर एक्सटेंशन थी और उसकी एक लोअर एक्सटेंशन भी थी। ठीक है, जिसको हम एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नाम से जानते थे। ठीक है, अब वो एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये क्या था हमारे, मान लो ये है हमारे थैलेमस का पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से थैलेमस प्रेजेंट था, इसके ऊपर की साइड एपिथैलेमस प्रेजेंट था, नीचे की साइड में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन अभी हम फोर ब्रेन को पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में अभी स्टडी
करेंगे। अभी किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो मिड ब्रेन की पोजीशन बताने के लिए मैंने का पोर्शन उठाया है कि थैलेमस से रिलेट करके थोड़ा बताती हूँ कि कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, ये क्या है? हमारा थैलेमस का पार्ट है। अब वो जो हाइपोथैलेमस है ना, वो इस साइड में प्रेजेंट है, एपिथैलेमस है वो इस साइड में प्रेजेंट है, लेकिन मिड ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा? मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा हमारा इस तरीके, इस तरीके से प्रेजेंट। ये क्या है? हमारा मिड ब्रेन है। कुछ ज्यादा ही बड़ा, ये जो पोर्शन दिख, ये पोर्शन होता है हमारा मिड ब्रेन, मिड सेक्शन। पता चला कि कैसे पता चला हमें? हमने क्या किया है, ब्रेन को बीच में से कट किया है, फिर उसका ये जो एक खोपड़ी है, हाफ हेमिस्फेयर जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है, हेमिस्फेयर दिखाई दे रहा है ब्रेन का, ठीक है, उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे देखा है। जब हम ब्रेन को खोल करके उसका एक सेक्शन इस तरीके से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, ये थैलेमस है, यहाँ पे ये क्या है, और उस थैलेमस के नीचे कौन प्रेजेंट होता है? हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये जो मिड ब्रेन हमें दिखाई दे रहा है ना, ये मिड ब्रेन की किस तरीके की शेप होती है? कुछ इस तरीके की शेप होती है। अब ये मिड ब्रेन क्या करता होगा? तो देखो, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, क्या इसके और भी कोई पार्ट्स होते हैं या फिर और भी कोई पोर्शंस होते हैं क्या? तो देखो, जो हमारा मिड ब्रेन है ना, मिड हमारे मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, हमारे मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? टूरा सेरिब्री और क्वाड्री टेमिना, ये हमारे दो पोर्शन होते हैं, सेरिब्री और दूसरा कौन सा पोर्शन हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा हमारा क्विड्री जेमिना। अब इनके नाम से पता चलेगा, अब ये क्वाड्री जेमिना जो है और ये क्रूरा सेरिब्री है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होंगे? हमारे मिड ब्रेन। तो देखो, अब ये जो मिड ब्रेन है वो टोटल ही इतना छोटा सा पार्ट है, ठीक है, मिड ब्रेन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन के अंदर भी हमने बता दिया कि क्रूरा सेरिब्री और क्वाड्री जेमिना नाम के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो कहाँ पे होंगे? तो देखो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना हमें, ये जो पोर्शन दिखाई, इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी क्वाड्री जेमिना, ठीक है, सॉरी, इस पोर्शन के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी? क्रूरा सेरिब्री, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन के हमारी क्रूरा सेरिब्री, सेरिब्री कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे एक बात बता, मैंने क्या बताया था कि भाई ब्रेन का हाफ सेक्शन लिया और उसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ना, जो हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। भाई ये जो मैंने इतनी सी ये लाइन सी बनाई है, सेक्शन बनाया है, या फिर बोल दो ये पाइप जैसी एक स्ट्रक्चर बनाई है, वो हमारे ब्रेन में कैसे प्रेजेंट है? यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पाइप लाइक जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसका एक, इस पाइप का ये पोर्शन आगे वाला पोर्शन होगा, ये पोर्शन पीछे वाला पोर्शन होगा, इसी तरीके से होगा। भाई ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इसका फ्रंट का साइड हो जाएगा, जो मेरी साइड में है, फ्रंट में है, और बैक का कौन सा हो जाएगा? मेरा का सेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा फ्रंट सेक्शन, जिसको हमने बोल दिया मिड ब्रेन का क्रूरा सेरिब्री, और बैक का पोर्शन कौन सा हो जाएगा? बैक के पोर्शन के अंदर होगा हमारा क्विड्रा टेमिना, ठीक है, क्वाड्री टेमिना नाम का पोर्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये पीछे वाला, यहाँ पे क्विड्रा मतलब चार, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? चार इस तरीके से गोलाकार स्ट्रक्चर, अंडाकार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। मिड ब्रेन के कंप्लीट पोर्शन दो दो तरीके से बना हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट का नाम है क्रूरा सेरिब्री और दूसरे का नाम है क्वाड्री जेमिना, ठीक है, क्वाड्री जेमिना। फर्स्ट पोर्शन जो है उसका हमने नाम दे दिया क्रूरा सेरिब्री, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे फ्रंटल साइड में प्रेजेंट है, और बैक साइड में कौन सा प्रेजेंट है हमारे? ये क्वाड्री जेमिना का जो पोर्शन है वो
पीछे की साइड में प्रेजेंट है। अब ये जो हमारी व्यू होती है ना, जो हम फ्रंट की साइड में होती है उस व्यू को क्या बोलते हैं, जो हमारा बैक साइड का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डोर्सल और वेंट्रल व्यू, ठीक है। अब जो ये हमारे क्वाड्रे वाले हैं ना, क्वाड्री जेमिना, क्वाड्री जेमिना का जो पोर्शन है वो हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, वो हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और क्रूरा सेरेब्री हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। अब ये वेंट्रल का और डोर्सल का क्या मतलब है, देखो ये व्यू होते हैं, जैसे जो हमारा पोर्शन है ना ब्रेन का वो कहाँ पे प्रेजेंट है, भाई ये क्रूरा सेरेब्री है वो हमारे सामने वाले पोर्शन में है, ठीक है, इस तरीके से बताया था ना। तो ये जो पोर्शन है वो मेरे सामने वाले में है, तो जो मेरे सामने वाला पोर्शन होगा ना मेरी बॉडी का, वो व्यू आ जाएगा हमारे वेंट्रल व्यू के अंदर, और जो पीछे की साइड का व्यू होगा वो सारा का सारा आ जाएगा हमारे डोर्सल व्यू के अंदर। तो आई थिंक अभी एक बार और से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कंप्लीट, कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन की जो पोजीशन होती है थैलेमस के एग्जैक्ट नीचे होती है, और जो मिड ब्रेन है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, क्रूरा सेरिब्री के अंदर और दूसरा क्वाड्री जेमिना के अंदर। जो हमारा क्रूरा सेरिब्री का पोर्शन है वो हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के, और जो हमारा क्वाड्री जेमिना का पोर्शन है वो हमारा डोर्सल साइड में प्रेजेंट है बॉडी के, ठीक है। डोर्सल मतलब पीछे की साइड, बॉडी के पीछे की साइड, या पीछे की साइड प्रेजेंट है, और वेंट्रल का मतलब है जो हमारे फ्रंट साइड में, फ्रंट मतलब जो आगे की तरफ। बात हुई क्लियर। अब इनका काम क्या होता है, तो देखो ये जो हमें दिखाई दे रही है ना लंबी लंबी सी स्ट्रक्चर जिनको हमने क्रूरा सेरिब्री, ये क्रूरा सेरिब्री का काम होता है हमारे हिंड ब्रेन से, मतलब बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ आएगी, पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, उसके बाद क्योंकि ब्रेन तक वो डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती ना, तो एक प्रोसेस के थ्रू होके गुजरेगी, वो स्पेसिफिक डिफरेंट बॉडी पार्ट से होके वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती हुई आएगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, बार बार यही एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने अभी गर्म चीज़ को कोई हाथ लगा दिया, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती होती कहाँ जाएगी, मेरे ब्रेन तक जाएगी। तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आई है ना, जैसे कि मेरा हाथ आया है, उसके बाद वो कहाँ पे पहुँचेगी, स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पोर्शन बताऊँ तो कुछ इस तरीके का पोर्शन, इस तरीके का पोर्शन बन, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना ये है हमारे हिंड ब्रेन का पोर्शन, ये क्या है हमारे हिंड ब्रेन का पोर्शन, और उसके नीचे आ जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, क्या आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो कुल मिला के आप इतना याद रखो कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन बॉडी से होते होते आई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के बाद उसी इंफॉर्मेशन को कहाँ जाना पड़ा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद उसी इंफॉर्मेशन को जाना पड़ा हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन के बाद वो जाएगी कहाँ हमारे मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन से जाएगी वो थैलेमस में, फिर थैलेमस डिसाइड करता है कि उसको कहाँ भेजना है, ठीक है। क्योंकि हम ये भी पढ़ा था ना हमने फोर ब्रेन के पोर्शन में कि हमारे चार टाइप की लोब्स प्रेजेंट है, फोर ब्रेन के अंदर जो हमारा सेरेब्रम का पार्ट है उसमें चार तरीके की लोब्स प्रेजेंट है, जो कोई थिंकिंग का काम कर रही है, कोई रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह, अलग अलग टाइप के काम थे सबके, ठीक है। तो थैलेमस डिसाइड करता है कि उस इंफॉर्मेशन को मुझे ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर भेजना है। अब एक बात बताऊं, यहाँ से, ठीक है, हिंड ब्रेन से थैलेमस तक जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी तो वो उड़ के तो जाएगी नहीं कहीं, अचानक से तो स्किप हो नहीं सकती, तो किसी के थ्रू होके जाना पड़ेगा, और इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि हिंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है अब हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर से अब उसे जाना है थैलेमस तक, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो मिड ब्रेन से होके थैलेमस तक जाए। अब मिड ब्रेन का कौन सा पोर्शन उस इन्फॉर्मेशन को ऊपर तक भेजने का काम करेगा, यही बात समझ, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से अब ब्रेन के पास जा रही है, ब्रेन के पास कब जाएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी हिंड ब्रेन में, हिंड ब्रेन से फिर वो कहाँ जाएगी हमारे थैलेमस में, थैलेमस डिसाइड करेगा कि फोर ब्रेन के किस पार्ट के अंदर, फोर ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर
इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन इससे सिंपल और क्या करें, ये क्या है इसका थैलेमस का फंक्शन। थैलेमस क्या करेगा, उसको जहां पे पहुंचाना होगा जिस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमको याद कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, याद नहीं आ रहा, तो पास्ट में हम क्या करेंगे कि भाई हमने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 महीने पहले जो भी हमने पढ़ा था हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि हाँ टेस्ट में क्या लिखे। तो वो काम कौन करता है भाई, हमारे फोर ब्रेन की जो सबसे फ्रंटल लोब्स होती हैं वो करती हैं। तो अब थैलेमस क्या कर देगा, थैलेमस उन इंफॉर्मेशन को फ्रंटल लोब तक पहुँचाएगा, फ्रंटल लोब से फिर रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ इसका आंसर ये था। तो वो फिर थैलेमस के पास फिर यहाँ से होती होती वो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन तक चली जाएंगे और हम हाथ से लिखना स्टार्ट कर देंगे टेस्ट, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो अभी देखो, अब क्या करना है, हिंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन थैलेमस के अंदर भेजनी है। जब हम थैलेमस के अंदर क्या भेजेंगे, इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पाथ है ये मिड ब्रेन का। अब मिड ब्रेन के अंदर भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से, क्रूरा सेरिब्री और क्वाड्री जेमिना का पार्ट। तो वो कौन सा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को यहाँ से हिंड ब्रेन से थैलेमस तक ले जाएगा और थैलेमस से हमारे हिंड ब्रेन तक लेके आएगा वो, क्योंकि जब ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी तो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा भी तो ऑर्गन तक पहुंचाना है ना, तो इसीलिए उसको इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाने का काम कौन करेगा, हमारा मिड ब्रेन करेगा। अब मिड ब्रेन का कौन सा पोर्शन करेगा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरा सेरिब्री पहुँचाते। पूरा सेरिब्री का क्या काम होता है, पूरा सेरिब्री का काम है हिंड ब्रेन को थैलेमस से जोड़ने का, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हिंड ब्रेन से थैलेमस तक पहुंचाने का, और थैलेमस से जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के बाद को वापस से हिंड ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। यही होता है इसका काम और कुछ नहीं। दूसरी चीज, अब दूसरा पोर्शन आया हमारा क्वाड्रा जेमिना का, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, क्वाड्रा मतलब चार, ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है क्वाड्रा मतलब चार। देखो अब ये जो चार तरीके के हमें सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने दो अलग अलग कलर से बनाए, इसका क्या मतलब है, तो देखो जो ये हमारे अपर पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारे सुपीरियर है, सुपीरियर और इंफीरियर नाम से इनको डिवाइड कर देते हैं, इतना ना भी याद रखो तो भी चल। तो सुपीरियर जेमिना बोल दो, सुपीरियर जेमिना नाम के जो पोर्शन है अब इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जो अपर पोर्शन है वो तो हमारे साइट रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या कंट्रोल करते हैं हमारे साइट रिफ्लेक्स, साइट ये रिफ्लेक्स सेक्शन वाले रिफ्लेक्स नहीं, और ये कौन से हमारे हियरिंग के लिए, ठीक है, जो हम हमें सुनाई देता है ना, तो उसके लिए ये रिफ्लेक्सेस। हियरिंग के रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो हमारे मिड ब्रेन के अंदर दो टाइप के रिफ्लेक्सेस पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सुपीरियर, एक को बोलते हैं इन्फीरियर। जो सुपीरियर होते हैं वो साइट रिफ्लेक्स के लिए होते हैं, मतलब जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो क्या करते हैं, उसके पास में जाते हैं, किसी ने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी के उसको बुक को पास में लेके आओ, या फिर खुद ऊपर झुक के ऐसे पढ़ो। अगर मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं, इस तरीके से दूर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे साइट रिफ्लेक्सेस हैं, और इनको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन करेगा। मिड ब्रेन के अंदर भी जो हमारे सुपीरियर पार्ट है क्वाड्री जेमिना का, जो सुपीरियर पार्ट है वो क्या करेंगे, हमारे साइट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेंगे। अचानक से मान लो हमारे आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, उस टाइम पे भी ये साइट रिफ्लेक्सेस जो भी होंगे ना ब्रेन के किसी पार्ट में नहीं जाएंगे, वो मिड ब्रेन तक पहुंच करके वहां से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, आंखों को बंद करना है या फिर दूर ले जाना है, पास में लाना है। साइट के जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे उनको कंट्रोल करने का काम करेगा सुपीरियर पोर्शन हमारे मिड। दूसरी बात, अब जो ये इन्फीरियर है वो हमारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, हियरिंग बोल दो या फिर ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोल दो। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब जैसे कि
जो नाम होता है, ठीक है, अगर मान लो मेरे को कोई पीछे से ऐसे, मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ, अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो वो आवाज़ को सुन के, ठीक है, उस आवाज़ को सुन के हम ऐसे मुड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी आवाज़ देता है तो उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब हम अचानक से ही रिस्पॉन्स करते हैं ऑडियो को सुनने के बाद। देखो जो सेंसेशन मिलेगी ना, वो कई कई तरीके से मिलेगी, साइट से भी मिल सकती है, साउंड से भी मिल सकती है, टच से भी मिल सकती है, गर्म या फिर ठंडा कुछ हमने टच किया उससे भी हमें सेंस मिलेगी। लेकिन जो हमें ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं ना, वो कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, जैसे किसी ने हमारा नाम बोला या फिर कुछ भी है, ठीक है, जो साउंड की वजह से अगर हमने रिस्पॉन्स किया है, तो उस पोर्शन को हमारा कौन सा ब्रेन का कौन सा पोर्शन रेगुलेट कर रहा होगा या कंट्रोल कर रहा होगा, तो वो होगा हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन। तो मिड ब्रेन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर सिर्फ यही बात है, क्योंकि मिड ब्रेन क्या है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रेन का। काम बस कितना होता है, इसका काम होता है भाई इंफॉर्मेशन को हिंड ब्रेन से, हिंड ब्रेन को थैलेमस से जोड़ना, इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाना, और दूसरी बात होती है इसकी साइट रिफ्लेक्सेस को और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। साइट रिफ्लेक्सेस में क्या बताया, कोई चीज़ है हमें दिखाई नहीं दे रही, ताकि देख कोई चीज़ है जो हमें पास से क्लियरली नहीं दिखाई दे रही, तो अचानक से क्या कर लेते हैं। तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स, साउंड के रिफ्लेक्स ऑडिटरी रिफ्लेक्स में क्या आ जाएंगे, ऑडिटरी रिफ्लेक्स में जैसे कोई भी साउंड सुन के हमने अचानक से रिस्पॉन्स किया, जैसे अपना नाम सुन के हम पीछे या आगे की तरफ देखे या ऊपर की तरफ, ठीक है, वो हमारे आ जाएगा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के मिड ब्रेन के पोर्शन के अंदर। तो हमारा अब उसको मिड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ टू फाइब्रस ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो ट्रैक्ट होते हैं ना हमारे दो तरीके के, जो हमारे दो तरीके के ट्रैक्ट हैं वो फाइब्रस ट्रैक्ट होते हैं। अब जो फाइब्रस ट्रैक्ट हैं उसके अंदर भी दो तरीके की चीज़ें प्रेजेंट है। कैसे फाइबर, एक तो क्रूरा सेरिब्री और दूसरा क्वाड्री जेमिना नाम के दो ट्रैक्ट पसंद है। अब ये क्रूरा सेरिब्री क्या होती है और क्वाड्री जेमिना क्या प्रेजेंट। अब देखो इसी पोर्शन के अंदर, क्वाड्री जेमिना के अंदर हमने बता दिया कि टू स्वेलिंग्स कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर कोकुलाई ऑन ईच साइड, ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर कोकुलाई के नाम से हम उन वो जो स्वेलिंग्स हमें दिखाई दे रही थी, जो राउंड राउंड स्फेरिकल शेप के पोर्शन दिखाई दे रहे थे, उनको हमने क्या बोला है, इंफीरियर एंड इंफीरियर टाई बोला है, ठीक है। तो ये दो पोर्शन हो गए चीज। हाँ, जो फाइब्रस ट्रैक्ट है जिसके अंदर हमारा क्रूरा सेरिब्री आएगा, वो क्या करता है, हमारे हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि देखो एक तरीके से जो थैलेमस का पार्ट है, वो थैलेमस भी क्या करता है, थैलेमस भी हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन होता है। तो हमारे हिंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, क्रूरा सेरिब्री करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, द फोर स्वेलिंग ऑफ द बोथ साइड आर टुगेदर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्री। तो हमारी चार स्वेलिंग्स दिखाई देती है हमें, वो चार स्वेलिंग्स कैसी होंगी, इस तरीके की होंगी। ऊपर वाली होंगी दो सुपीरियर कोकुलाई और दो होंगी हमारी इन्फीरियर कोकुलाई। अब सुपीरियर कोकुलाई किस लिए हैं, वो हमारे कंट्रोल सेंटर होती हैं एक तरीके से साइट रिफ्लेक्सेस का, ठीक है, जो हम देख के रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो साइट रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल सेंटर कौन है, हमारा मिड ब्रेन की सुपीरियर कोकुलाई है, और जो इन्फीरियर कोकुलाई हैं वो हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए क्या है, सेंटर है। द मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ, किस किस की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये, द हेड नेक ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे गर्दन की है या फिर नेक की है, हमारी उनको रिस्पॉन्सेज को ये क्रिएट करवाने का काम करेगा। जैसे कि अगर मान लो हम कोई साउंड सुनते हैं तो उससे हमारे नेक के पोर्शन का या फिर बोलो ट्रंक के पोर्शन का ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा मिड ब्रेन ही करेगा। जैसे कुछ देखते हैं तो उस टाइम पे हम भी, हमारा मोस्टली काम बॉडी के अंदर किसका होता है, हमारी नेक के पोर्शन का होता है, ठीक है। हम गर्दन से ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, फेस से ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ट्रंक और नेक, इनकी जो मूवमेंट होगी वो मिड ब्रेन क्या करवाएगा, कंट्रोल करवाएगा। और किसके किसके कारण करवाएगा, जो हमें रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ना ऑडियो की वजह से और साइट की वजह से, उनकी वजह से, तो उसको कंट्रोल करवाएगा। द आई मसल्स चेंज इन द प्यूपिल साइज एज वेल एज शेप इन द आई लेंस। जैसे कि जो हमने साइट रिफ्लेक्स पढ़ा था उसके अंदर क्या देखा था कि भाई हमें अचानक से लाइट अगर ज़्यादा आ गई, द
प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर हमारी कम अंधेरा हो गया अचानक से, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे, अचानक से क्या होगा, मान लो लाइट चली गई, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें ऐसे दिखाई देता है कि हमारी आंखें है ना बड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। अब इस प्यूपिल के साइज को कोई छोटा या बड़ा कौन करता है? तो ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के अंदर भी कौन सा पोर्शन? जो हमारे ये दो तरीके के सुपीरियर और इंफीरियर कोक्युलाई होती हैं, वो करती हैं कंट्रोल हमारे किसके पार्ट को, वो करती हैं कंट्रोल हमारे जो साइट रिफ्लेक्सेस हैं और जो ऑडियो रिफ्लेक्सेस हैं उनको, ठीक है। अब ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे ब्रेन का पीछे का पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सेक्शन कट करते हैं हमारे ब्रेन का, ठीक है, मैंने कैसे कौन सा सेक्शन कट करके दिखाया था आपको, जैसे ये ब्रेन है इसका ये सेक्शन कट करके और ये जो पार्ट है ना वो ऐसे टेढ़ा करके दिखाया था, ठीक है, वो ऐसे टेढ़ा करके दिखाया था। तो उसके अंदर हमें दिखाई दिया था हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन, जो लास्ट जो हमने डायग्राम देखा था वो था हमारा कि इसका हमने सेक्शन कर दिया और साइड से देखा तब। अब वहां पे मैंने जो ये चार तरीके के इंफीरियर और सुपीरियर क्योंकि लाई का जो जिक्र किया था, अगर हम ब्रेन को पीछे की तरफ से देखें, ठीक है, अगर हम उसके डोर्सल व्यू को देखें, अगर हम उसके डोर्सल की बात करें, डोर्सल व्यू का मतलब है जो हमारे ब्रेन का, जो हमारे ब्रेन का पीछे का व्यू होता है, ब्रेन का ब्रेन के पीछे के व्यू को हम क्या बोलेंगे, डोर्सल व्यू हो जाएगा वो। अगर पीछे से देखेंगे ना तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन का पार्ट। अब ये जो मिड ब्रेन का पार्ट है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है ना, ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, सुपीरियर और इन्फीरियर कोक्युलाई की स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, उसके बाद पोर्शन आ जाएगा हमारा हिंड ब्रेन का, ठीक है, उसके बाद पोर्शन किसका आ जाएगा, हिंड ब्रेन का पोर्शन आ जाएगा। देखो दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते, ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, ब्रेन बना दिया, ठीक है। ब्रेन के अंदर भी पहले कौन सी चीज थी भाई, थैलेमस थी, ठीक है, थैलेमस के नीचे कौन प्रेजेंट था हमारे, इस तरीके मिड ब्रेन प्रेजेंट था। अब मिड ब्रेन के नीचे कौन प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अब वो जो हिंड ब्रेन है ना उसकी किस तरीके की पोजिशन होगी, देखो यहाँ से कुछ ऐसे उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा इस तरीके से, यहाँ हुआ पार्ट दिखाई देगा और यहाँ से फिर यहाँ से, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे एक है ना इस तरीके से एक्सटेंशन। अब ये क्यों कौन से होते हैं, तो देखो जो हमारा ये हिंड ब्रेन और इसके बाद यहाँ पे कौन आ जाएगी, पे आ जाएगी स्पाइनल को, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन से ऊपर ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा, ब्रेन का पोर्शन, ठीक है। जैसे कि हम मिड ब्रेन को अपने ऐसे नहीं देख पा रहे थे भाई, ब्रेन के बाहर की साइड से हम अगर मिड ब्रेन को नहीं देख पा रहे थे, तो इसी तरीके से जो हिंड ब्रेन है वो हमारे मिड ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और हिंड ब्रेन के पोर्शन को अभी हम बाहर से नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे अंदर की पोर्शन है। मतलब क्या है कि जब हम हमारे ब्रेन का क्रॉस सेक्शन करेंगे और जब के पार्ट को अच्छे से देखेंगे अंदर से, उसका इंटरनल व्यू जब हम देखेंगे, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। तो उसके अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, बाहर की साइड प्रेजेंट नहीं होता है हमारा हिंड ब्रेन, जिसको हम ब्रेन के बाहर से देख सके, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब ये जो पोर्शन बनाया है ना मैंने, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होंगे। तो देखो हिंड ब्रेन के हमारे पार्ट होते हैं सेरिबलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लेंगेटा, क्या पोन्स वेरुलाई, सेरिब्रम और मेडुला ओब्लेंगेटा। अब ये जो पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोन्स वेरुलाई, पॉन्स वेरुलाई हमारा कौन सा पोर्शन है, ये जो हमें थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है ना यहाँ पे, ये हमारा पॉन्स वेरुलाई। अब इनके फंक्शनिंग भी देखेंगे कि इनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद
ये कौन सा पोर्शन है? ये है हमारा सेरे सेरे ब्लम का पोर्शन। सेरेब्लम का पोर्शन कौन सा है हमारा? ये जो उभरा हुआ पार्ट है। एक बात नोटिस करने की ये है कि जो सेरेब्लम होता है वो हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? जो हमारे फोर ब्रेन का एक पोर्शन था ना सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा ब्रेन का हिंड ब्रेन का जो एक पोर्शन है सेरेब्लम, जिसको हम नाम देते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पता चली। दूसरी चीज, अब ये जो सेरेब्लम का पार्ट है ना, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, ब्रेन के डोर्सल साइड में। डोर्सल का मतलब, और वेंट्रल में कौन सा प्रेजेंट होगा? पॉन्स वेराले। पॉन्स वेराले हमारे वेंट्रल, ठीक है। पॉन्स वेरुला हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होंगे। इतनी बात हुई क्लियर कि अब हम पढ़ रहे हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन मिड ब्रेन से जस्ट नीचे का पोर्शन होता है, ये है हमारा हिंड ब्रेन से जस्ट नीचे प्रेजेंट है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी हमारे पास तीन पोर्शन है। जो ये उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पॉन्स वेरुलाई। जो ये हमारा उभरा हुआ पोर्शन इस तरीके से दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, पीछे की साइड डोर्सल व्यू में, वो है हमारा सेरेब्लम का पार्ट। ठीक है, सेरेब्लम का पार्ट। उसके बाद एक रह गया हमारा मेडुला ओब्लंगेटा का पार्ट। ठीक है, किसका पार्ट? मेडुला ओब्लंगेटा। वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेडुला ओब्लंग, ये पोर्शन ये। ठीक है, तो पोजीशन पता चली डोर्सल और वेंट्रल व्यू की। दूसरी बात है इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स कौन से हो जाएंगे इसके? तीन पार्ट, एक तो पॉन्स वेरुलाई का पार्ट, दूसरा सेरेब्लम का पार्ट, और तीसरा हो जाएगा मेडुला ओब्लंगेटा का पार्ट। ठीक है, अब इनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है वो उसमें फंक्शनिंग क्या क्या होंगी? तो देखो, हिंड ब्रेन के अंदर क्या है? सबसे पहले तो हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। इसके तीन पार्ट होंगे, सेरेब्लम पार्ट, पोन्स वेरुलाई पार्ट और मेडुला ओब्लंगेटा पार्ट। तो हमारा सेरेब्लम का पार्ट है वो हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हो गया। दूसरी बात, सेरेब्लम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वही बात बताई है, कंसिस्टिंग नियरली 12.5% ऑफ इट। ठीक है, हमारा ब्रेन का जितना भी पोर्शन है उसमें से 12.5 का पोर्शन किसका हो जाएगा? सेरेब्रम का पार्ट हो जाएगा। इट हैज़ अ लार्ज, इट हैज़ टू लार्ज लेटरल सर्कुलर हेमिस्फीयर एंड अ वेंट्रल डर्मिस। जैसे कि देखो, इसके अंदर बताया था ना कि ये जो पोर्शन है, अब एक बात बताओ, ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना वो ब्रेन का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? भाई मैंने ऐसे ब्रेन का सेक्शन किया और इस तरीके से मैं एक सेक्शन को, ठीक है, हाफ जो हमारा सेरेब्रम हेमिस्फेयर है उसके एक पोर्शन को पढ़ रहे हैं। जब एक पोर्शन को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें एक सेरेब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सेरेब्लम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा ब्रेन का पार्ट है, जो हमारा हेमिस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर एक और प्रेजेंट है उसके अंदर भी एक सेरेब्लम का पोर्शन होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे सेरेब्लम कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल सेरेब्लम का पार्ट हमारे हो जाएंगे दो। ठीक है, दूसरी बात, सेरेब्लम मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम एंड द मसल टोन। सेरेब्लम का क्या काम होता है? हमारे ब्रेन के अंदर जो हिंड ब्रेन में सेरेब्लम का पोर्शन है उसका काम होता है हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम। ठीक है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का क्या काम है? वैसे तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम होता है हमारे बोन्स का। ठीक है, क्योंकि बोन्स नहीं होंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। लेकिन जो हमारे ब्रेन का पार्ट है ना, ठीक है, सेरेब्लम का जो पार्ट है, अब ये सेरेब्लम क्या करेगा? हमारी बॉडी को एक तरीके से पोस्चर प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि अगर मान लो स्केलेटन सिस्टम का तो रोल है ही, अगर मान लो हमारे ब्रेन के अंदर ये सेरेब्लम का पोर्शन ना हो तो अभी तो हमारा शरीर है वो खिंचा खिंचा सा रहता है। ठीक है, एक तरीके से पोस्चर में है हम। ठीक, अब जैसे गर्दन है तो वो क्या है, इस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। भाई इधर मानिए किसी भी साइड में इसके अगर एंगल चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस ब्रेन के इस पोर्शन के अंदर सेरेब्लम का पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो किसी की भी गर्दन है वो इस तरीके से,
मतलब उसको एक तरीके से पोस्चर उसका नहीं बन पाएगा प्रॉपरली। ठीक, तो ये क्या करने का काम करती है, पोस्चर को और मसल टोन को बनाने का काम करती है। हमारे जो मसल्स हैं वो ढीली होंगी, या फिर बोल दो कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगी, अदरवाइज हमारी किस तरीके से क्या हो जाएगी। जैसे शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद वैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो ब्रेन को इफेक्ट करती है। वो जो उसकी शराब होती है वो ब्रेन को इफेक्ट करती है। अब ब्रेन इफेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अगर ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमारी एक्टिविटीज तो इफेक्ट होंगी। तो अब अगर सेरेब्लम के पोर्शन के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हमें दिक्कत होगी, और जो हमारे मसल टोन होंगी वो भी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। ठीक है, दूसरा काम है इट कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शन, इट कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनवाने का काम करेगा और पोस्चर बनवाएगा। इट कंट्रोल द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन होंगे उनको भी कौन करवाएगा, हमारा यही सेरेबलम का पार्ट करवाएगा। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटिंग द मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शंस का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो भी किसके थ्रू होंगे, किसी पार्ट के थ्रू होंगे। ठीक है, दूसरी बात किसके बारे में पढ़ना था, दूसरी चीज है हमारी मेडुला ओब्लेंगेटा। मेडुला ओब्लेंगेटा भी किसका पार्ट है, हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। अब ये मेडुला ओब्लेंगेटा का क्या काम है, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लाई बिलो द सेरिब्लम। सेरिब्लम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है ये पार्ट, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ में होता है। ये किसको कंट्रोल करता है, ये हमारे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना उनको कंट्रोल करने का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कौन से, जैसे कि हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट की बीटिंग है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हमारा हार्ट अब बीट करना चाहिए उसी टाइम पे करता है, नहीं। अगर हम नहीं भी सोच रहे होंगे तो उस टाइम पे भी ये हमारे हार्ट की जो बीटिंग है वो चलती रहेगी। तो इसका मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना, जो अगर हम नहीं भी सोच रहे हैं उनके बारे में, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है, हमारे वो होते रहते हैं। वो के अंदर कौन कौन से आएंगे, हार्ट की बीटिंग होगी। दूसरी बात, अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे हमने ज़्यादा एक साथ में खाना खा लिया, तो उस टाइम पे है ना ब्रेन को ये सोचने का टाइम नहीं होता कि हमें इस खाने का क्या करना है। अगर हमें कोई भी दिक्कत लगेगी तो हम उल्टी कर देते हैं, वो भी किसकी वजह से, हमारे हिंड ब्रेन के इसी मेडुला ओब्लेंगेटा की वजह से। ब्रीथिंग मूवमेंट है, सांस ले रहे हैं, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, हमारे मेडुला ओब्लेंगेटा की वजह से। ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है। देखो, बॉडी के अंदर जो मेंटेन करने के लिए जितने भी ऐसे फंक्शंस है ना जो कंटिन्यू रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे मेडुला ओब्लेंगेटा की वजह से। जैसे कि हार्ट की बीटिंग है, मूवमेंट है हमारे, जैसे ब्रीथिंग है, उसके बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस वो भी किसी की वजह से होता है, मेडुला ओब्लेंगेटा प्रॉपरली काम करने की। जैसे ठीक है, मेडुला ओब्लेंगेटा कंट्रोल करता है कि हमें, मान लो हम स्वेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्नीजिंग कर रहे हैं, अगर हमें छींक आ रही है, ठीक है, हिचकियाँ आ रही हैं, वॉमिटिंग आ रही है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ओब्लेंगेटा। ठीक है, हमने चीज़ लास्ट चीज़ देखी थी पोन सेल्स। पोन सेल्स का कोई खास फंक्शन नहीं होता है, पोन सेल्स का अगर नहीं भी करोगे, ठीक है, पोन्स वेरोलाई का अगर फंक्शन करोगे तो भी चल जाए। कुल मिला के बस इतना ध्यान रखो कि ये किसको, हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिफ्लेक्सेस क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से साइट लगा लो हमारे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स की। ठीक है, तो कंप्लीट पोर्शन किस, मिड ब्रेन का और हिंड ब्रेन का, इसके पार्ट थे आज के लेक्चर।